हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसके गुप्ता एसके जी ज्ञान ज्योति की ओर से आज आपके बीच लेकर आया हूँ सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम इंग्लिश का सेमेस्टर 1 का IRC 1। आप लोगों का बहुत दिनों से डिमांड था कि सर इंग्लिश का IRC 1 का सिलेबस दीजिए, तो लीजिए आपके सामने है इंग्लिश का IRC 1 का सिलेबस। लेकिन इसके पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इसी चैनल पर आपके UG सेमेस्टर 1 से 6 तक स्टडी के हेल्प हेतु बहुत सारे मटेरियल मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का इंग्लिश IRC 1 UG सेमेस्टर 1 SKMU का सिलेबस। सबसे पहले देखिए आपके यूनिट को सिलेबस को 6 यूनिट में बांटा गया है। 6 यूनिट में आपके सिलेबस को इंग्लिश को बांटा गया है। ये 100 मार्क्स का पेपर होगा। ये कितने मार्क्स का पेपर होगा? 100 मार्क्स का पेपर होगा, और जिसमें पास मार्क्स होगा 40। 40 मार्क्स में आपको पास कर हो जाइएगा। तो यूनिट 1 में पढ़ना है, देखिए सबसे पहले मैं यूनिट 1 में देख लेता हूँ। लिटरेचर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लिटरेचर। इसमें क्या पढ़ना है? लिटरेचर में लिटरेचर का डिफिनेशन क्या होता है और मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, ये 3 चीज़ लिटरेचर में पढ़ना है, डिफिनेशन, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। फिर दूसरा है पोएट्री। पोएट्री में क्या पढ़ना है? मीनिंग एंड वेराइटी। पोएट्री का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, और उसके कितने वेराइटीज होते हैं, वो कितने तरह के होते हैं। फिर पढ़ना है लिरिक, ओड, सोनेट, एलगे, इपिक, मोक, इपिक, बैलेड, ड्रामेटिक, मोनोग्लिग्यू, भर्स, ड्रामा, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी होना चाहिए। वैरायटी में यही सब पढ़ना है, ठीक है? ये आपने देखा। इसके बाद आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में पढ़ना है ड्रामा। ड्रामा का मीनिंग क्या होता है और वैरायटी। वैरायटी में देखिए ब्रैकेट में जितना दिया है ये ड्रामा का वैरायटी है। इसके बारे में आपको जानकारी थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में होना चाहिए, ठीक है? आया समझ में? ये ड्रामा का वैरायटी है जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं। मिरिकल, मोरालिटी एंड मैस्ट्री, प्लेज, कॉमेडी, ट्रेजेडी, ट्रेजेडी कॉमेडी एंड प्रॉब्लम प्ले, वन एक्ट प्ले, ये सब ड्रामा के वैरायटीज हैं जिसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है स्टूडेंट्स। अब आते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 में नॉवल के बारे में पढ़ना है कि नॉवल होता क्या है। देखिए नॉवल, नॉवल का मीनिंग, वैरायटीज। अब वैरायटीज में देखिए इसके बारे में दिया है। एपिस्टोलरी नॉवल क्या होता है, ये सब नॉवेल्स के डोमेस्टिक नॉवल क्या होता है, हिस्टोरिकल नॉवल क्या होता है, रीजनल नॉवल क्या होता है, साइकोलॉजिकल नॉवल क्या होता है, साइंस फिक्शन क्या होता है, ये सब के बारे में आपको वैरायटीज में पढ़ना है। सिलेबस बहुत लंबा है, थोड़ा सा अभी से स्टडी पर जोर देंगे तब एग्ज़ाम में अपने माइंड से कवर कर पाएंगे। यूनिट 4 में पढ़ना है एसे। यूनिट 4 में पढ़ना है एसे। आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर एसे पढ़ना है। एसे का मीनिंग एंड वैरायटीज। वैरायटीज में नैरेटिव एसेज, डिस्क्रिप्टिव एसेज एंड आर्गुमेंटिव एसे, ये सब के बारे में आपको यूनिट 3-4 में पढ़ना है। फिर एसे में और है, देखिए फॉर्मल एसे क्या होता है ये पढ़ना है, पर्सनल एसे क्या होता है ये पढ़ना है, फॉर्मल एसे, पर्सनल एसे। उसके बाद अदर जेनरीज ऑफ द लिटरेचर, शॉर्ट स्टोरी, स्टेरीज, एल्गोरी, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। ये देख रहे हैं। अब आते हैं यूनिट 5 में। यूनिट 5 में आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेरी टर्म्स, प्रोज क्या होता है, वर्स क्या होता है, इमेजिनरी क्या होता है, राइम्स स्कीम क्या होता है, मीटर क्या होता है, स्टेंजा क्या होता है, प्लॉट क्या होता है, सब प्लॉट क्या होता है, थीम क्या होता है, एक्सप्लोशन क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ये सब कैरेक्टर क्या होता है, पॉइंट और आगे है देखते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू, सेटिंग, चोरस, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। अब आते हैं यूनिट 6 जो आपका लास्ट यूनिट है, ठीक है? यूनिट 6 में पढ़ना है फिगर ऑफ स्पीच, स्माइल, मेटाफोर, एंटीथीसिस, ठीक है, पैराडॉक्स, प्यून, ट्रांसफर्ड, इफिटिक्स, ये सब के बारे में आपको शॉर्ट में पढ़ना है। फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, एपोस्ट्रॉफी क्या होता है, ये सब पूरा डिटेल में आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना है। ये आप देख रहे हैं, ये आपका सिलेबस था SKG। इस सिलेबस को ट्रांसलेट करके, मतलब कॉपी करके आपके लिए स्पेशल निकाल के लाया गया है SKG ज्ञान ज्योति 9110119564
4 6 SKG ज्ञान ज्योति का नंबर है, जहाँ से आप नोट्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास के लिए सेमेस्टर 1 से 6 तक का आपके मोबाइल पर ऑनलाइन क्लास वीडियो लेसन नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिकल कॉपी मिल सकता है, प्रोजेक्ट पेपर मिल सकता है, BA BSc के जो भी आपके एजुकेशनल में स्टडी मटेरियल चाहिए वो आपको SKG ज्ञान ज्योति में मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कर भला तो हो भला, अपने 10 दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अपना बहुमूल्य समय देकर अपने 4 इंची की खोपड़ी में अपने इंग्लिश IRC 1 के सिलेबस को डालने के लिए।